नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। बिहार अल्पसंख्यक कांग्रेस के उपाध्यक्ष सह संगठन प्रभारी पहुंचे भागलपुर की प्रेस वार्ता। बिहार अल्पसंख्यक कांग्रेस के उपाध्यक्ष सह संगठन प्रभारी शिवली मंजूर तारापुर उपचुनाव में प्रचार के उपरांत पहुंचे भागलपुर। संगठन प्रभारी शिवली मंजूर ने काजवली चक में कांग्रेस नेता के आवास पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं बिहार अल्पसंख्यक कांग्रेस के उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी शिल्पी मंजूर की जुबानी। धन्यवाद करता हूँ मीडिया के हमारे सारे दोस्त, सारे बंधु आप यहाँ आए, और ये हम सब भलीभांति जानते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लोकतंत्र की इमारत चार जिन स्तंभों पर खड़ी है उसमें एक स्तंभ मीडिया भी है, और अगर मीडिया का स्तंभ हिल जाए तो इमारत यकीनन चरमरा के नीचे गिर जाएगी। आप लोगों ने अपनी लोकतंत्र में सहभागिता को समझा, उसकी महत्ता को समझा, और जहाँ है उसके लिए मैं बहुत आप सबका धन्यवाद करता हूँ प्रथम तो। और आज मैं वाकई दिल से आपके साथ संवाद करना चाहता हूँ, कुछ बातें आपके माध्यम से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। एक पीड़ा है मेरे अंदर जो आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ, वो पीड़ा है जो बिहार की दुर्दशा देखता हूँ। दिन ब दिन जो बिहार के हालात खराब होते जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो हम बिहारियों में नहीं है, मेहनत में पीछे नहीं हटते, उसके बाद भी हमारी दुर्दशा क्यों इस प्रकार से होती जा रही है। 30 सालों से जब से कांग्रेस की सरकार यहाँ से गई है, जब से कांग्रेस की सरकार बिहार से गई है, तब से निरंतर बिहार का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, आप सबको पता है, बिहार पूरे भारत के अंदर सबसे प्रगतिशील राज्यों में गिना जाता था। सबसे बड़ा जाल यहाँ पे सिंचाई का था, नहरों का था, चकनालों का था। आप अभी चले जाएं सुदूर क्षेत्रों में, गांव के अंदर, आसपास के जिलों में, बांका में, शाकुंड में देख ले जाके, आपको सूखी हुई नहरें देखने को मिल जाएंगी। जो शिक्षा का स्तर बिहार में हुआ करता था 30 साल पहले, आसपास के राज्यों से बिहार पढ़ने आया करते थे लोग। अब क्या मजबूरी है कि हमारे बच्चे, हमारे युवा पहले पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और बाहर जाकर के बाहर के लोगों को होने का एक दंश वो महसूस कर। जो कल कारखाने थे वो बंद कर दिए गए, शैक्षणिक स्तर को गिरा दिया गया, जितने भी कॉरपोरेशन, बोर्ड, निगम बनाए गए थे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए, सबके ऊपर ताला लगा दिया गया। बिहार की डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल नजर आती है। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ बिहार की जनता से, भागलपुर की जनता से, कि क्यों हमारा एयरपोर्ट उठा के कहीं और दे दिया गया, क्यों वो एम्स जो भागलपुर में बनना था वो कहीं और लेके जाके दे दिया गया, क्यों यहाँ की सड़कें 30 साल से टूटी हुई हैं, क्यों यहाँ के रेशम के कारखाने पे, रेशम के सारे कारोबार पे ताला लगा दिया गया, क्यों यहाँ हस्तकरघा उद्योग इस तरह से बंद पड़ा है, क्यों हम घंटों जाम में फंसे रहते हैं, क्यों पुल का नया निर्माण नहीं किया गया। इन सब चीज़ों को समझने की जरूरत है। सरकार से हर वक्त चलते, उठते, बैठते सवाल पूछने की जरूरत है कि